मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में कांस्टेबल के पिता को ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है। दरअसल युवती ने आरक्षक को दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी और पैसों की डिमांड की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित के पिता ने महिला थाने में की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए महिला पुलिस ने आरोपी युवती को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार पीड़ित आरक्षक का पिता रामलाल राजपूत मादगुआ थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसका बेटा उत्तर प्रदेश में पुलिस आरक्षक के पद पर पदस्थ है। पुलिस आरक्षक और 24 वर्षीय युवती एक ही गांव के रहने वाले हैं, जिस कारण से दोनों की दोस्ती थी। युवती आरक्षक के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसे आरक्षक की शादी कहीं और पक्की होने की जानकारी लगी तो युवती ने आरक्षक को ब्लैकमेल किया। उसने आरक्षक को झूठे दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देते हुए 5 लाख की मांग की। इसके बाद परेशान आरक्षक के पिता ने उसकी बात मानते हुए राजीनामा लिखवाया और उसे 2 अलग-अलग किस्तों में 5 लाख रुपए दे दिए। फिर तीसरी बार पीड़ित के पिता से युवती ने 20 लाख की मांग की, तब पिता ने तंग आकर एसपी से शिकायत कर दी, और जिसके बाद एसपी के निर्देश पर महिला थाना प्रभारी ने पीड़ित युवक के आवेदन पर धारा 388-389 के तहत FIR दर्ज की और युवती को गिरफ्तार किया। क्या नाम है आपका? कहाँ के? कौन सा थाना लगता है? बच्चे का क्या नाम है आपके? क्या करता है वो? उत्तर प्रदेश में पुलिस में। क्या मामला आया है, क्यों शिकायत करनी पड़ी आपको? ये है कि शादी के में परेशान कर रही थी मीना राजपूत, तो क्या बोलते जॉब में निकल गया था, तो फिर बोले क्या बोलते हमने 5 लाख रुपया दिए हैं और फिर परेशान कर रही थी, हमने मरा थाने में शिकायत की है। कहाँ कहाँ शिकायत की है, क्या किया? मरा थाने में एस पी साहब लोग। तो आज कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? महिला थाना। तो क्या उस महिला को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने? क्या कल गिरफ्तार कर लिया है? क्यों पैसे मांगे थे? क्यों मिल कर रहे थे शादी करो? ये कहाँ की रहने वाली? ये नगर। क्यों आपके गांव के बगल की है? क्यों बना रही थी दबाव? शादी लड़का निकल गया था सामान के हिस्से में, तो फिर लड़का शादी करो, लोग हमारी शादी हो गई थी 1 साल पहले से। पैसे का लेन देन करती हुई कुछ रिकॉर्डिंग भी थी आई सामने? जी आई थी, हमने मेला ग्राउंड में दिए थे वहाँ की रिकॉर्ड है। कितने रुपए दिए थे आपने? 5 लाख। आप कितने की मांग कर रही थी? कर रही थी 10 लाख रुपए और। नहीं तो शादी नहीं होने दे। नहीं तो शादी नहीं होने देगी। आपने लड़की शादी कहाँ कर दी थी? हमने शादी कर दी थी फिर वहाँ। अच्छा, कितने माह पहले? 18 फरवरी। अब रिपोर्ट हो गई आपकी? जी। इसमें महिला थाने के अपराध क्रमांक 24 में महिला की गिरफ्तारी हुई। इसमें महिला के द्वारा उसके पिता को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि अगर आप शादी नहीं करोगे तो हम आपके लड़के को झूठे बलात्कार के केस में फंसा देंगे, और उसी के चलते उसने कई बार उससे ब्लैकमेलिंग की, और एविडेंस मिलने पर फिर उसमें थाना में FIR रजिस्टर्ड हुई और उस पर कार्रवाई हुई। 5 लाख रुपए वो ले चुकी है, जिसकी वीडियो फुटेज वगैरह उसने पुटअप की थी, और इसके अलावा वो 20 लाख की टोटल डिमांड कर रही थी। इसमें आरोपिया के विरुद्ध 388-389 IPC का मुकदमा कायम किया गया था, और उसी के दौरान इसको जो एविडेंस हमको मिले उसके अनुसार कार्रवाई करके उसको अरेस्ट करके पुलिस रिमांड पर लिया। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।